मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तस्कर अवैध रूप से सागौन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए बताया कि तस्करों ने कुछ दिन पहले 17 सागौन के पेड़ काटे थे, जिन्हें वन विभाग की टीम अपने कब्जे में ले लिया है और POR करने के बाद दरियागंज नाके पर रखा गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दरियागंज में लकड़ियों को ताले के अंदर रखा गया है, जिसके चलते वन विभाग की कार्रवाई शक के दायरे में आ रही है। गवासियन बीच है हमारी, गवासियन रेंज अंतर्गत, वहाँ पे करीब जो है आज से 15-20 दिन पहले की बात है, वहाँ अवैध कटाई हुई है। कुल मिला के 17 पेड़ हुए हैं कटाई जिसकी हुई है। और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जो उसमें वनोपज थी वो परिवहन नहीं कराता है, अपराधी लोग जो थे वो हमारा 100% उसको हम लोग अपने कब्जे में कर लिया है, उसकी बुवाई कर लिया है, उसको वेरीफाई कर लिया है और उसी फूट से निकले हुए वनोपज हैं और 100% वो जब्ती हो गई है।